जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैनको DCST 10 मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला MAR बनाम LIZ के बीच मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों MAR से जिसान अहमद, वकास अख्तार, आमिर सोहेल, जिसान अली, AB सिद्दीकी, रसर शेर, नदीम कुमार, अवैध सुल्हारी, आसिफ महमूद, मोहम्मद कमर एंड तसावर हुसैन। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि MAR की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ LIZ की प्लेइंग 11 की। तो जवाद अली शाह, उमर शाह, एम हुजैफा, सलमान खान, मुर्जा खान, वावर अयूब, मोहम्मद फराद, हसर अल्लाह, साहिद जिया, जियाउर रहमान, फ़हीम कतक। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि LIZ की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 18 अप्रैल ट्यूसडे को दोपहर 1 बजे से YP सोनास क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच फायदेमंद रहने वाली है, हालांकि दोस्तों पेसर्स को भी इस पिच पर फ़ायदा मिलेगा। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो बारिश के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों MAR जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन। आज का टॉस है MAR टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो अवैध सुल्हारी को दोस्तों एज अ स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड जीशान अहमद को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। हेड टू हेड की बात करूं तो दोस्तों MAR जो कि 2 मुकाबला जीता है हेड टू हेड एंड LIZ जो कि 3 मुकाबला हेड टू हेड जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूं लाइव टेलीकास्ट की। तो आप फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो फ्रेंड्स। पॉइंट टेबल की बात करूं फ्रेंड्स तो MAR जो कि दूसरे स्थान पर है, 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है और 1 में इनको हार मिली है। LIZ जो कि अभी तक 1 भी मैच नहीं खेला फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ फैंटेसी टिप्स की। तो दोस्तों आप टॉप ऑर्डर बैटर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे ये खिलाड़ी। एंड विकेट कीपर में नदीम कुमार को आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। पेसर्स का स्पिच पर ज़्यादा रोल रहेगा फ्रेंड। विनिंग प्रिडिक्शन की बात करूँ दोस्तों तो MAR जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ LIZ टीम से, जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप MAR की अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पे कर सकती हैं। बात करता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट कुछ मौके खिलाड़ी जो कि MAR की हैं, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। वकास अख्तार, आमिर सोहेल, नदीम कमर, अवैध सुल्हारी एंड मोहम्मद कमर। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि MAR के मुख्य खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ LIZ के मुख्य खिलाड़ी, जवाद अली शाह, उमर शाह, सलमान खान, मुर्जा खान, मोहम्मद फराद एंड असरुल्ला और साहिद जिया। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि LIZ के हैं, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक MAR की तरफ से रही हैं, जिसान अहमद जो कि अभी तक 225 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, वकार अख्तार, आमिर सोहेल, जिसान अली एंड AB सिद्दीकी। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि MAR की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ LIZ की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर की, जवाद अली शाह, उमर शाह, सलमान खान, मुर्जा खान, मोहम्मद फराद। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि LIZ की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर है। नेक्स्ट बैंड बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की। तो दोस्तों आप वकास अख्तार को एज ए स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, जो कि अभी तक 223 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ नदीम कुमार की, जो कि दोस्तों अभी तक 104 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको एज अ कैप्टन स्मॉल लीग में सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। बात करता हूँ मोहम्मद कमर की, क्योंकि दोस्तों अभी तक 115 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको एज अ वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। जवाद अली शाह जो कि दोस्तों अभी तक 47 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर लेती हैं, लेकिन दोस्तों आप इनको एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। सलमान खान जो कि दोस्तों इनको एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग में सेलेक्ट कर सकते हो। मुर्जा खान जो कि दोस्तों अभी तक 144 फैंटेसी पॉइंट हासिल किए हैं,
आप अपनी फैंटेसी टीम में एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग एंड कैप्टन आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।